आज जो पांच राज्य जो चुनाव में जाने वाले हैं इस साल के अंत में, उन सब की बैठक हमारे महासचिव जो संगठन के हैं केसी वेणुगोपाल जी, हमारे महासचिव पब्लिसिटी मीडिया डिपार्टमेंट के जयराम रमेश जी ने ये मीटिंग ली। तमाम इन पांचों राज्यों के महासचिव, पीसीसी प्रेसिडेंट जहां जहां अवेलेबल थे, नहीं तो वो फिर जूम पर शामिल हुए मीटिंग में, और मीडिया और सोशल मीडिया के जो प्रभारी हैं इन राज्यों के अंदर, वो सब इस मीटिंग में शामिल हुए। हर राज्य ने अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपना आगे का रोड मैप AICC को बताया कि किस तरह से वो इस चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और कैसे उठा रहे हैं, और जो संदेश है, जो नैरेटिव है, वो कैसे बूथ लेवल तक जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। जो वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए कि कैसे इसको और पैना बनाया जा सकता है, हमारे संदेश को, हमारे संवाद को, और कहीं भी कोई रुकावट ना आए। जो समन्वय होना चाहिए, जहां हमारी सरकारें हैं राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, वहां संगठन और सरकार का किस तरह का समन्वय, उसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए, और जहां हमारी सरकारें नहीं हैं वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी का AICC से किस तरह का समन्वय होना चाहिए, उस पर श्री KC वेणुगोपाल जी ने अपने विचार रखे। ये बैठक लगातार अब हम इससे चर्चा आपस में जूम के माध्यम से करते रहेंगे, और हर राज्य में हम लोग, जयराम रमेश जी, मैं और सुप्रिया श्रीनेत जी, हम लोग जाएंगे वहाँ, फिर से ये बैठकें लेते रहेंगे ताकि कहीं भी कोई रुकावट न हो, किसी को भी कोई समस्या न आए, जो वहाँ हमारे प्रभारी हैं, जो वहाँ ये काम देख रहे हैं, सोशल मीडिया का भी और मीडिया का भी। वी हैड अ वेरी गुड मीटिंग ऑफ 5 इलेक्शन गोइंग स्टेट्स। दीज स्टेट्स आर गोइंग इन टू इलेक्शन एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड मिजोरम। जनरल सेक्रेटरीज इन चार्ज फ्रॉम AICC, द PCC प्रेसिडेंट्स, सोशल मीडिया चेयरपर्सन्स एंड मीडिया चेयरपर्सन्स ऑफ दीज स्टेट्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। The meeting was conducted by Shri K.C. Venugopal, who is our General Secretary Organization, and Mr. Jairam Ramesh, who is the General Secretary of Media and Communication and Social Media. So, a lot of issues were discussed, how to sharpen our narrative in these election-going states. Two of these states, we have our government there. So, how do we ensure a smoother coordination between the organization and the government in these two states? And how do we ensure a proper coordination between the PCCs and the AICC with a view of communication and social media? This was discussed in a very detailed manner. Mr. K.C. Venugopal also gave some very constructive suggestions to ensure that the attack on the BJP is sharpened, and there should be a very seamless coordination between the AICC and these states. Thank you. मुद्दों पर चर्चा हुई, सही वक्त पे आपको उससे भी व्यवस्था कराएंगे कि किन मुद्दों पर किस राज्य में करना है। आप वैसे भी कैंपेन्स देख ही रहे हैं हमारे पांचों राज्यों के, तो आपको भी ज्ञान है कि किस तरह के मुद्दे वहाँ उठाए जा रहे हैं। जिन दो राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहाँ हम अपने काम के को दिखा रहे हैं और बड़ी मजबूती से, बड़ी बखूबी दिखा रहे हैं। जहाँ हमारी सरकारें नहीं हैं वहाँ जो हमारा हमला किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे है वो आपके सामने है। धीरे धीरे आपको आने वाले दिनों में और स्पष्ट तस्वीर हम जरूर देंगे। सर, एक सवाल और है। सर, जिस तरीके से अभी जो आंकड़े आए हैं पिछले 6 महीनों में, कांग्रेस पार्टी चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, इन जो प्लेटफॉर्म है इन पर BJP से बहुत आगे रही है 1 महीना छोड़ करके, लेकिन व्हाट्सएप में आप लोग BJP के आगे कहीं दूर दूर तक नहीं टिकते, तो इसको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इस पर चर्चा हुई, बिल्कुल हुई व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे, और ना केवल जैसे KC वेणुगोपाल जी ने कहा कि वो बूथ स्तर पे व्हाट्सएप की जो तैयारी होनी चाहिए उसकी उन्होंने समीक्षा भी की और उसमें कुछ सुझाव भी रखे। उन सुझावों पे भी बड़ी चर्चा हुई। आने वाले दिनों में आपको व्हाट्सएप में भी भारतीय जनता पार्टी हमसे पिछड़ती हुई दिखेगी, और बिना संसाधनों के। सबसे बड़ा अंतर ये है, उनके पास आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास तमाम उद्योगपति हैं, तमाम लोगों का समर्थन है, और एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग भी उनसे दबता है। उसके बावजूद अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और इवन मीडिया पे अगर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है।
सर जो आपके बड़े नेताओं पर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हो, उनकी रैलीज को, उनकी कैंपेन को लेके भी किस तरीके से आपकी कैसे भी चर्चा हुई और क्या आपका आने वाले दिनों में आपको जो इन राज्यों के महासचिव होते हैं जैसा जैसा वो सुझाव देते हैं वैसे हमारे नेता वहाँ प्रचार करते हैं। पिछले दो महीनों में आपने देखा प्रियंका जी ने यूथ डिक्लेरेशन किया था तेलंगाना में, फिर अभी खम्मम में राहुल जी ने एक डिक्लेरेशन किया और खड़गे जी भी एक बार वहाँ भी हो आए हैं। लगातार हमारी जो पाँचों राज्य हैं यहाँ क्या क्या रूपरेखा होगी, कौन प्रचार करने कब जाएगा, वो आपको समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहे। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली गिवन एन इंटरव्यू इन व्हिच ही हैज मेंशन दैट इंडिया इज रीगेनिंग इट्स राइटफुल पोजीशन एंड दीज सिविलाइजेशनल इथोस आर बेसिस ऑफ द इंडिया सॉफ्ट पावर। ही गेव एन इंटरव्यू टू एन इंडियन मीडिया हाउस और अ फॉरेन मीडिया हाउस, आई वॉन्ट टू आस्क फर्स्ट। And if he has given an interview to an Indian media house and if he has done a press conference, that in itself is breaking news. There is nothing left to be said on that. If he has given it to an international media house, well, I'm glad he realizes the strength of India and I hope his party also learns the strength of India instead of weakening India on these very grounds. Thank you. Thank you.